फ्रेंड्स, मैं जो आपको दुर्गा पूजा स्पेशल माला ड्राइंग दिखाया था उसका एक सेकेंड पार्ट लेके आज हाजिर हो चुकी हूँ। ड्राइंग में आज हम क्या करेंगे? कलर करेंगे। तो आप सब एक्साइटेड हो ना? तो चलिए बिना देर किए आज का कलर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगा तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो महालया ड्राइंग का सेकेंड पार्ट है उसका कलरिंग कर रही हूँ। मैं फर्स्ट सैप ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, नाउ डार्क ग्रीन। गाइज, ये ड्राइंग में मैंने डॉम्स का ऑयल पेस्टल कलर यूज किया है। अगर आपके पास डॉम्स का ऑयल पेस्टल नहीं है तो कैमल ऑयल पेस्टल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मैं लाइट ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन ब्रश से। गाइज, ये सरफेस तो बहुत बड़ा नहीं है इसलिए छोटा सरफेस है, इसलिए आपको ये सब पोर्शन में कॉटन ब्रश से यूज करना है। नाउ मैं डार्क ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ, नाउ येलो कलर, नाउ ऑरेंज। गाइज, इस ड्राइंग में मैंने जो जो कलर यूज किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। और मेरे स्क्रीन पे तो मैंने दे ही दिया है कलर के साथ कलर का नाम। तो आई होप आपको कलर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ मैं डार्क ब्राउन एंड ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। गाइज, नाउ मैं पुशन ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, नाउ सेरुलियन ब्लू ह्यू। नाउ मैं लाइट ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। गाइज, अब जब भी कलर लगाओगे तो ध्यान रखना है कि कलर अब ऐसे लगाओगे कि ज्यादा उसमें प्रेशर भी मत देना है आपको, और ज्यादा लाइट करके भी मत करना है कि ताकि आपका वाइट गैप छूट जाए। और अगर आपको वाइट गैप छूट भी जाता है तो आपको ऐसा ही कटन बार से ब्लेंड करके वो गैप को एकदम फील कर देना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और जब भी आप कलर मिक्सिंग करोगे ना तो आपको धीरे धीरे पेशेंस से करना है। वीडियो में आपको लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी में कलर मिक्स किया है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वीडियो में टाइम एक कंसर्न है, इसलिए हमें वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके दिखाना पड़ता है, स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाना पड़ता है। लेकिन आप वेरी पेशेंस से मिक्सिंग करना। नाउ मैं मीडियम येलो एंड लेमन येलो कलर यूज कर रही हूँ माँ दुर्गा के फेस एंड हैंड्स में। नाउ मैं ऑरेंज कलर का टोन दे रही हूँ एज अ डार्क टोन। अब मैं इसको भी ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन ब्रश से। नाउ आई एम यूजिंग ग्रे कलर। नाउ मैं प्राइमरी रेड कलर यूज कर रही हूँ। गाइस, इस ड्राइंग में मैंने जो कलर यूज किया है वो पर्टिकुलर कलर अगर आपके पास नहीं है तो इसका सिमिलर जो भी कलर आपके पास है आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखो गाइज, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन गाइज, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जब भी ब्लेंड करोगे ना तब भी आपको धीरे धीरे पेशेंस से ब्लेंड करना है। गाइज, ये ड्राइंग का स्पीड अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा लगे, आप तो डेफिनेटली जानते ही हो कि यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके हम स्पीड कम से कर सकते हैं, तो आप स्पीड कम करके ये वीडियो को देखो अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे। क्योंकि वीडियो अगर मैं स्पीड बढ़ा के आपको वीडियो नहीं दिखाती तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। नाउ मैं ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज कर रही हूँ डार्क टोन देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल ना हो तो आप ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो। नाउ मैं डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ।
टेबल है उसका कलर कर रही हूँ। उसमें मैंने डार्क ब्राउन ब्राउन एंड ऑरेंज कलर का शेड यूज किया है। तो जब भी आप ये ड्राइंग करना चाहोगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट आप पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद ड्राइंग करने के लिए अटेम्प्ट लो। आप क्या करते हो, आप वीडियो का थंबनेल देख के ही ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है ये तो थंबनेल मुझे मिल गया है, स्टैटिक इमेज मिल गया है, चलो आप ड्राइंग कर लेते हो। लेकिन इससे कभी हो सकता है कि आप सक्सेस ना हो, क्योंकि तो आप तो नहीं जानते हो ना कि मैंने कहाँ पे कौन सा कलर कैसे यूज़ किया है, किसके का कौन सा कलर के साथ कौन सा कलर मिक्स करके यूज़ किया है। ये सब अगर आपको प्रॉपरली जानना है और प्रॉपरली ये ड्राइंग करना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। फर्स्ट आप पूरा वीडियो देख लो, फिर आप ड्राइंग स्टार्ट करो। गाइज, इस ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट टंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम के यूट्यूब चैनल पे है, जिसमें मैंने पेंसिल ड्राइंग एंड स्केच पेन से आउटलाइनिंग दिखाया है। वो वीडियो आपने अगर मिस कर दिया है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अल्ट्रा मैरिन ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। नाउ लाइट ब्लू। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर पर्टिकुलर कलर ना हो, लेकिन आप जो भी कलर यूज करोगे वो कलर कंट्रास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग का कलर जितना अच्छा होता है ना, उतना ही आपका ड्राइंग फिनिश होने के बाद अच्छा लगेगा। नाउ मैं ये जो फ्लोर का कलर है, इसमें ग्रे कलर यूज कर रही हूँ। लाइट ग्रे आपको यूज करना है फर्स्ट। नाउ इसके ऊपर से थोड़ा सा व्हाइट कलर मैं यूज कर रही हूँ। अगेन मैं इसको कॉटन बार से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ येलो कलर एंड ग्रे। गाइज, अगर आपको ऐसा ही ब्यूटीफुल ड्राइंग डंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम से देखना है और सीखना है, तो आप इस चैनल को जरूर देखते रहिए। और अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपको थोड़ा सा इससे भी टफ ड्राइंग, आई मीन एडवांस लेवल का ड्राइंग देखना है ना, तो डंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम का और एक चैनल है डंग कैनवास। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैनल को आप जरूर विजिट कीजिए। उस चैनल में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का थोड़ा सा टफ ड्राइंग अपलोड करते हैं, जो कि आपको एडवांस लेवल का ड्राइंग सीखने में काफ़ी हेल्प करेगा। और उस चैनल में हम ओनली ऑयल पेस्टल कलर नहीं, दूसरा सारा ड्राइंग का और जो मीडियम है, कलर पेंसिल, वाटर कलर, पोस्टर कलर, कैनवास पेंटिंग, ये सब मीडियम में भी कलर करते हैं। तो आप ज़रूर उस चैनल को विजिट कीजिए। नाउ मैं डार्क ग्रे कलर यूज कर रही हूँ फ्लोर में। नाउ मैं ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल से शेडो दे रही हूँ। अब देख रहे हो ना गाइस, मैं कैसे ये शेडो दे रही हूँ। अब इसको फिंगर से रब करके थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस, मेरा कलर तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं मास्किंग टेप्स को रिमूव कर रही हूँ। ये देखो गाइस, ये ड्राइंग कितना अच्छा बना है। ये ड्राइंग कर आप भी ज़रूर करो, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये ड्राइंग आपको कैसा लगा। और ये ड्राइंग करके आप हमें रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है ना, उस पर भी शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ड्राइंग। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? ये ड्राइंग आप प्रैक्टिस करके रखो, मैं सेकेंड पार्ट लेके जल्दी आने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।